हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू में। मैं हूं पल्लवी। मैं आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आती हूं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स। आपको ध्यान रखना है व्यूअर्स की चैनल पर मैं जो भी रीडिंग आपको प्रोवाइड कराती हूं वो एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होती है, यानी कि 100% इन रीडिंग्स का आपसे कनेक्ट हो पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो जितनी भी रीडिंग आपसे मिलती है आपको वही लेना होगा और बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। इस चैनल पर आपको जो भी रीडिंग मिलेगी व्यूअर्स वो आपको टाइमलेस रीडिंग मिलेगी, यानी कि जब भी आपके सामने रीडिंग आती है आप बेझिझक होकर बिना किसी टेंशन के इन रीडिंग्स को देख सकेंगे। और आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि जब भी हमारे सामने कोई रीडिंग आती है ना तो वो यूं ही नहीं आती है, उसके आने के पीछे का रीज़न कुछ मेन होता है, कुछ खास होता है जो सही वक्त पर सही टाइम पर हमारे सामने आती है। कहते हैं ना कि शायद यही वक्त था, हर एक चीज़ के लिए टाइम जो होता है वो डिसाइडेड होता है। तो अगर आपके सामने कोई रीडिंग आ रही है तो उसका टाइम डिसाइड हो चुका है यूनिवर्स के मुताबिक और उसका आपके सामने आना अब इम्पॉर्टेंट बन गया है। तो जो भी रीडिंग आपके सामने आती है उसे ग्रेटिट्यूड ज़रूर से दिया कीजिएगा एंड अपनी यूनिवर्स को, अपने डिवाइन को ज़रूर से ग्रेटिट्यूड दिया कीजिएगा, ठीक है। जब भी मैं रीडिंग कर रही हूँ व्यूअर्स, तो आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि उनके दिल में अब आपको लेकर क्या है, ठीक है। प्लग जब कार्ड्स निकाले जाए तो ये भी आप ध्यान रखा कीजिएगा कि उनका और अपना नाम आप 3 से लेकर 5 बार मन ही मन में ज़रूर से ले लीजिएगा। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स चाहते हैं मुझे फेसबुक पर फॉलो करना, तो आपको फेसबुक पर मेरी आईडी मिल जाएगी, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और सेम ही नाम है हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं सेम ही नेम है हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू, तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके अलग मैं आपको व्हाट्सएप पर भी मिलूंगी व्यूअर्स, यानी कि आपको व्हाट्सएप पर एक चैनल मिलेगा सेम ही नाम है हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। इन सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो अगर आप चाहते हैं मुझे वहां पर भी फॉलो करना तो जरूर से जाकर फॉलो कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग, कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं पर्सनल रीडिंग के रिगार्ड, तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको मेरा नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैं मेंशन कर दूंगी, उसके थ्रू आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी पर्सनल रीडिंग है ना व्यूअर्स वो फ्री नहीं है, यानी कि उनके चार्जेस हैं और उसकी जानकारी लेने के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। कॉल अलाउड नहीं है स्पेशली फॉर इंक्वायरी, हालांकि रीडिंग आपको कॉल पर ही दी जाएगी, कॉल पर ही मिलेगी, लेकिन जब आपको रीडिंग के चार्जेस जानने होंगे तब कॉल अलाउड नहीं है। आपको वॉइस मैसेज भी भेज दिया जाएगा और आपको मैसेज रिटर्न में भी भेज दिया जाएगा, उसके बेस पर आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू की, वो जस्ट 29 रुपीज पर मंथ के बेस पर एंड 59 रुपीज पर मंथ के बेस पर आपको मिल जाएगी। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। 29 रुपीज मेंबरशिप और 59 रुपीज पर मंथ की मेंबरशिप में फ़र्क कितना है कि आप 59 की मेंबरशिप में लाइव सेशन आने पर सवाल जवाब कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा। रीडिंग जो है वो मेंबरशिप आपको मंथली बेसिस पर मिलेगी, यानी कि 2 से अधिक ही आपको मैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर आपकी एनर्जी आपके नेम के बेस पर वहां पर रीडिंग प्रोवाइड कराऊंगी। पर्सनल रीडिंग और मेंबरशिप की रीडिंग में जमीन और आसमान का फर्क है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यानी कि मेंबरशिप में सिर्फ आपके नाम लिए जाएंगे और आपके साथ और भी जो मेंबर्स होंगे उनके भी नाम लिए जाएंगे, लेकिन पर्सनल रीडिंग में आपके और आपके पर्सन के नाम को ध्यान में रखकर आपकी एनर्जी इसको पिक करके वहां पर आपको आपके ही सवालों के बेस पर रीडिंग दी जाएगी। मेंबरशिप में सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे इंट्यूशंस जिस टॉपिक पर रीडिंग देने के लिए बोलेगी मैं उस टॉपिक पर आपको रीडिंग दूंगी। तो ये फर्क है मेंबरशिप में और आपकी पर्सनल रीडिंग में, ठीक है। उसके अलग जो लोग ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल लेना चाहते हैं एनर्जाइज्ड वे में, तो उसके लिए भी आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं स्क्रीन पर आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप उसके थ्रू मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। जिस एरिया ऑफ फील्ड के लिए आपको ब्रेसलेट या क्रिस्टल्स चाहिए वो चीज़ें आपको मेंशन करनी होंगी। ध्यान
ध्यान रखिएगा व्यूअर्स कि आपको चीजें मेंशन करनी होगी कि भाई मुझे ब्रेसलेट चाहिए इस रीजन के लिए चाहिए, मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए उसकी क्या डिटेल है, मुझे मेंबरशिप चाहिए वो कैसे ज्वाइन करना है। तो आप अपनी बात लिखा कीजिएगा पूरी, ऐसा नहीं है कि हाय मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैडम, ऐसा नहीं चलेगा। जो बात है वो चीजें जरूर से मेंशन करिएगा, ठीक है। सो आई होप मैंने आपको काफी चीजें बता दी हैं और अब हम शुरुआत करते हैं अपनी रीडिंग अपने टॉपिक की, ठीक है व्यूअर्स। व्यूअर्स इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं आज सुबह से लेकर अब तक के पर्सन की एनर्जी किस स्टेट ऑफ माइंड में रहे, कैसे इंसान ने आपको याद करा भी या नहीं, अपने दिन की शुरुआत में इन्होंने आपको रखा भी या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इन्होंने याद करा, इस चीज को व्यूअर्स में इस रीडिंग में कवर करूंगी। तो सबसे पहले मैं व्यूअर्स देख रही हूँ क्या है इस पर्सन की करंट एनर्जीज, किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ इस इंसान ने अपने दिन की शुरुआत करी है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ करी। स्प्रेड गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। स्टॉर्म, एविल क्वीन, Princess, Wings and bottom is Tower. तो व्यूअर्स अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूँ तो मुझे यहाँ पे आपके लिए 44, 8, 2, 1, 3 ये काफी इंपॉर्टेंट दिखे हैं। एंड मंथ आपके लिए अगस्त, फरवरी, जनवरी एंड मार्च, ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखो आपके पर्सन के दिल में ना आपको लेकर सुबह से लेकर अब तक काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी यहाँ पर डेवलप हुई है, यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप अब इस रिश्ते में से निकल गए हो। इस रिश्ते को लेकर आपने अपनी जो सोच है, अपना जो परसेप्शन है वो काफी हद तक बदल लिया है। आप ना कहीं इस रिश्ते से कुछ ज्यादा उम्मीद कर रहे थे, आप इस रिश्ते में कुछ ज्यादा ही इच्छा रख रहे थे पाने की। आपको ऐसा लगता था जो आपको इस रिश्ते में दिया जा रहा है या मिल रहा है वो आप डिजर्व नहीं करते हो, और इसी रीजन के चलते आपने इस टावर के बाद अपने आप से अपनी प्रायोरिटीज को बदलना शुरू करा, या आपने अपने आप पर वर्क करना, आपने अपने आप को बदलने पर ज्यादा फोकस लगाया। तो इस इंसान के दिल में ये चीजें हैं जो सुबह से लेकर इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं कि आपको जो दिया जा रहा था शायद आप उसमें सेटिस्फाई नहीं थे। तभी तो जब इस रिश्ते की थोड़ी सी नींव हिली या जब इस रिश्ते में चीजें मैस्ड अप हुई या जब ये इस रिश्ते से दूर गए तो आपने भी वेट नहीं करा, या आपने भी कहीं ना कहीं कुछ वक्त वेट करके अल्टीमेटली वही करा जो कोई और करता या कोई और कर सकता था। तो इनके दिल में आपको लेकर इस चीज की खुंदस, इस चीज की जेलसी यहाँ पर काफी मुझे डेवलप होती हुई दिख रही है। ये इन्हीं चीजों को लेकर ऐसा फील कर रहे हैं व्यूअर्स की आप में और औरों में क्या फर्क है। एज एन देखो आप अगर इनका इंतजार करते हो तो ये उस चीज को एज अ कहीं ना कहीं घमंड पे लेकर चले जाते हो, और जब आप इनका वेट नहीं कर रहे हो तो इस चीज को लेकर ये ब्लेम गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं। तो कुछ इसी तरह से इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी जिसमें ब्लेम गेम्स खेलते हुए ये पर्सन ज्यादा दिख रहे हैं। जब तक वेट कर रहे थे तब तक कहीं ना कहीं ये उस टावर को, उस स्टॉर्म को, उस तूफान को च्युइंगम की तरह खींचते जा रहे थे, और जब आपने अपने आप पर ध्यान देना, अपने आप को सेल्फ ओरिएंटेड बनाना, अपनी उड़ान भरना जब आपने शुरू करा तो इस इंसान की एक अलग सोच, अलग परसेप्शन है। यानी कि इनके साथ कुछ ऐसा मुझे नजर आ रहा है जैसे चिट भी अपनी, पट भी अपनी ये रखना चाहते हैं। आपने जब ये चीजें समझी कि ये जो मुझे दे रहे हैं एक्चुअली में आप वो डिजर्व नहीं करते हो तो ये वही अपना विक्टिम कार्ड यहाँ पर प्ले करते हुए मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स ने यहाँ पे ये चीजें बोली भी हो कि जो आप डिजर्व करते हो इस रिश्ते में आपको इनके मार्फत दिया नहीं जा रहा है या उससे कम ही दिया जा रहा है। अगर कोई और इस जगह पे होता या होती तो वो कब का इन्हें छोड़कर जा सकता था या जा सकती थी। तो ये पर्सन उसी को एज अ मुद्दा, उसी को आपकी एज अ सोच लेकर चल रहे हैं कि आपने ये बातें कह तो दी थी, जबकि ये चीजें आप इन्हें एज अ
बताना चाह रहे थे कि भाई देखो कोई और होता तो वो उस जगह पे ये करता या ये करती। तो अल्टीमेटली मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं सुबह से लेकर अब तक, डेफिनेटली आपके पर्सन ये टॉप टावर का या स्टॉर्म का जो भी बिल है ना वो आप पर फाड़ रहे हैं, ना कि अपने आप पर फड़वाना चाह रहे हैं या अपने आप पर ये फाड़ते हुए देखना चाह रहे हैं। तो वो चीजें मुझे यहाँ पर ज्यादा एग्जिस्ट होती हुई दिखी हैं। चलिए मैं टैरो से देखती हूँ, मैं आपको राशियां भी बताऊंगी, लेकिन मैं पहले आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स निकाल लेती हूँ ताकि चीजें थोड़ा यहाँ पर समझ में आ सके। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या सोच बनी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। सेवन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि, चैरियट एंड बॉटम इज एट ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि एंड आपका कैंसर मुझे काफी स्ट्रॉन्ग में दिखा। गाइड कीजिए बताइए स्पिरिट गाइड। द फूल एंड नाइन ऑफ सोर्स, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, जिसमें आपका एक्वेरियस काफी स्ट्रॉन्ग में मुझे व्यूअर्स यहाँ पर दिख रहा है। टेन ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज नाइट ऑफ वैंड्स, एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग में है। गाइड कीजिए बताइए टावर को लेकर व्यूअर्स के पसंद की सोच। नाइन ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज किंग ऑफ वैंड्स, तो अगेन एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि है। पॉसिबिलिटीज बन रही है आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आपसे उम्र में ये छोटे हों या अगर छोटे भी नहीं है तो ये इमेच्योर मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग इनके थ्रू ज्यादा करी जा रही है और उस ओवर थिंक के चलते ये सुबह से लेकर उस वक्त को ज्यादा याद कर रहे हैं जिस वक्त में आप इनके लिए अवेलेबल थे। इतना कुछ बिखरने के बावजूद भी आप इमोशनली वे में इनके लिए नीडी थे, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखते थे, आपकी ये जरूरत बन गए थे, आपकी आदत बन गए थे। तो ये पर्सन उस वक्त को काफी ज्यादा याद कर रहे हैं और वही वक्त से अपने आज का कंपैरिजन करके ये पर्सन ब्लेम गेम्स खेलने में ज्यादा लगे हुए हैं। यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं इस चीज की श्योरिटी थी कि आप वो इंसान हो जो दिल की करने वाले हो, दिल को फॉलो करने वाले हो, आप उन लोगों में से नहीं हो जो दिमाग को ध्यान में रखकर प्रैक्टिकल होकर चीजों को देखते हो। यही चीजें इनके लिए कहीं ना कहीं एज अ कॉन्फिडेंस काम कर रही थी कि देर सवेर चीजें जब सही होंगी या जब आप लोग मिलोगे तो कहीं ना कहीं उसके पीछे की वजह आप ही बनोगे। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही कहानी में आपने ट्विस्ट लाकर खड़ा कर दिया और वही चीजें इस इंसान के दिल में आपको लेकर इनसिक्योरिटी के साथ एक जेलसी फैक्टर को भी यहाँ पर डेवलप कर रहा है व्यूअर्स, जो सुबह से लेकर इनके सोच में मुझे एग्जिस्ट होता हुआ दिख रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि थोड़ा सा आप शायद यहाँ पे ना अपना डेडिकेशन कहीं और दिखा रही हो। कुछ मेरे व्यूअर्स शायद यहाँ पर पॉसिबिलिटी है थोड़ा सा अपनी स्टडी पर, अपने कैरियर पर, अपने फाइनेंसेस ग्रोथ पर, बिजनेस पर, इन सब पर आप ज्यादा वक्त अपना लगा रहे हो, जो इनकी सोच में ये एग्जिस्ट कर रहा है कि आपके लिए शायद प्यार या इनसे जुड़ा हुआ रिश्ता, रिश्ते, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तभी तो आप पैसों के पीछे भाग रहे हो या उनके लिए आप ज्यादा डेडिकेट हो रहे हो, जबकि इस इंसान ने आपके लिए कोई और ऑप्शन छोड़ा नहीं। और जो पैसा आप कमा रहे हो या जिसके लिए आप डेडिकेट हो रहे हो, ऑब्वियसली आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, क्योंकि आपको कुछ भी चीज है ना वो बिना मेहनत के, बिना अपने आप से करे मिली नहीं है। लेकिन वही चीज है कि खुंदस को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आप अपने हिसाब से इसे नाम जरूर से देकर मुझे बताइएगा आप इसे क्या कहना चाहोगे। लेकिन आपके पर्सन आपकी डेडिकेशंस को देखकर, आपके एफर्ट्स को देखकर, आपके डिटर्मिनेशंस को देखकर और अपने हिस्से कामयाबी लाते देख कर ना काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं या काफी ज्यादा एग्रेशन में जा रहे हैं, तो वो इनकी मुझे एनर्जी सुबह से लेकर अब तक दिख रही है। यहाँ पर ये पर्सन समझ रहे हैं आप अपनी जिंदगी में आप किसी भी तरह के रिस्क लेने से ना तो डर रहे हो और ना आप डरे, तभी तो यहाँ पर आपने वो करा जो आप चाहते हो, तभी तो आपने यहाँ पर अल्टीमेटली इन्हें पीछे छोड़ा, पीछे मुड़कर नहीं देखा या इनका इंतजार नहीं करा। तो अगेन वही कहना चाहूंगी कि विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं और पॉसिबिलिटीज है, इसके चलते ये पर्सन यही चीजें औरों के सामने भी रख रहे हो, स्पेशली
उन म्यूचुअल फ्रेंड्स के सामने जो आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानते थे कि आपने कौन सा रास्ता चुना और इन सब चीजों का जो भी नुकसान हो रहा है वो इन्हें हो रहा है, जबकि जाने वाले ये थे सिचुएशंस इस तरह की, प्लॉट करने वाले ये खुद ही क्यों ना बने हो, लेकिन इनकी तरफ से बात यहाँ पर एज अ विक्टिम कार्ड यही कही जा रही है। यहाँ पर अपने आप को आइसोलेट में भी इनके थ्रू रखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन देख पा रहे हैं व्यूअर्स आपके हिस्से जीत आई है, वो जीत जो कहीं ना कहीं अपने नाम लिखवाना चाहते थे, और आपके हिस्से वो रिग्रेट नहीं इन्हें दिखाई दे रहा जो ये अपनी आंखों से देखना चाहते थे। वो रिग्रेट था इनका आपकी जिंदगी से दूर जाकर आपकी जिंदगी पे पड़ने के वे में, या फिर आपका इनको लेकर नीडी होना, इनकी हर टर्म्स और कंडीशंस को मानना, तो वो सभी चीजें भी आपके पर्सन को यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले करने के अलग कोई और ऑप्शंस दे नहीं रही हैं, इसीलिए ये वही चीजें कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की कैसी भी एनर्जी है व्यूअर्स, जब जिम्मेदारियां उठाने की, रिश्ते को निभाने की बात आती है, तब इन्हें स्ट्रेस आने लगता है, तब इन्हें बर्डन होने लगता है, और जब रिश्ते में खुशियां होती हैं, सेलिब्रेशन होता है, सब चीजें बिल्कुल ओपन माइंड से होती हैं या किसी तरह के कमिटमेंट की बात नहीं होती है, तो ये अपना 100% वहां पर रोल अदा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने इन चीजों को जैसे समझा, इन पर जैसे आपने रिसर्च करी, वैसे वैसे आपने अपनी जिंदगी में वो उड़ान भरी या वो उड़ान भरने की आपने कोशिश करी, और ये पर्सन वही नहीं देख पा रहे हैं। इनको उसी चीज से इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है और ये चाहते हैं आपकी उस उड़ान के वे में जो आपको पंख मिले हैं, चाहे वो जॉब के नाम पर, स्टडी के नाम पर, कैरियर के नाम पर, बिजनेस के नाम पर, किसी रिश्ते के नाम पर, परिवार के नाम पर, तो ये आपके वो पर काट दें। तो इनके दिल में ना इनसिक्योरिटी काफी ज्यादा इनहेंस हो रही है, क्योंकि इन्हें पता है आपके वो पर, वो पंख जो है आपको इनसे बहुत दूर लेकर जा सकते हैं, इतने दूर की फिर आप इन्हें दूर दूर तक नजर नहीं आओगे, इतने दूर की पता नहीं फिर उसके बाद ये आपसे मिल भी पाएंगे या नहीं। तो वही सभी चीजें आपके पर्सन के दिल में, मन में सुबह से लेकर इस कदर चल रही हैं व्यूअर्स कि आपके पर्सन का यहाँ पर सोच का कोई अंत ही नहीं दिख रहा मुझे, ओवरथिंकिंग एज एन यहाँ पर बहुत करी जा रही है। इन्हें ये गए तो आपकी जिंदगी से इसीलिए उठकर गए थे जिससे कि आप इनके पीछे पीछे आओ, या आप कहीं ना कहीं इन्हें वो सीट दो, वो गद्दी दो, वो पोस्ट दो जो ये आपसे चाहते थे। ठीक है, एज एन ये चाहते थे अपनी जी हजूरी, या फिर ये चाहते थे कहीं ना कहीं आपकी नजरों में अपने आप को खोने का डर देखना, लेकिन ऐसा कुछ होने की बजाय आपने वहां रहकर भी, उस जगह पर रहकर भी उस टावर को एक्सेप्ट करा, और वह चीजें इनके दिल में, इनके मन में एक याद के तौर पर, एक चैलेंज के तौर पर आकर खड़ी हो गई है। तो ओवरऑल यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट लाने वाले आप बन गए, इस स्टोरी का जो एंड इन्होंने लिखा था उस एंडिंग को बदलने वाले आप बन गए हो, और इन्होंने ऐसी तो इस स्टोरी की यहाँ पर एंडिंग नहीं लिखी थी। तो यही चीजें आपके पर्सन की बर्दाश्त से यहाँ पर बाहर जा रही है, इनकी सोच से बाहर जा रही है। ये इन्हें ये लगता था कि ये इस रिश्ते के डायरेक्टर हैं, लेकिन आप इस रिश्ते के राइटर निकले और आपने इस रिश्ते की स्टोरी अपने हिसाब से ही बदल डाली। तो वही चीजें आपके पर्सन को यहाँ पर वो तूफान अपने इर्द गिर्द मंडराते हुए फील हो रही हैं, जो तूफान इन्होंने आपकी जिंदगी में छोड़ा था। ठीक है, और तभी यहाँ पर ब्लेम गेम्स हैं कि भाई आप को ऐसा लगता है कि आप इनको डिजर्व नहीं करते हो, और सही मायने में आप करते भी नहीं हो अगर इनकी सोच यहाँ पर ऐसी है। अगर आपको कुछ ऐसे ही ये हरकतें करते हुए दिखाई दिए हैं तो फिर कोई गलत आपने काम भी नहीं करा है अपने आप पर वर्क करके। उसके बाद अगर इन्हें एक्चुअली में जेन्युइनली आपसे प्यार है तो ये खुद से आपकी तरफ बढ़े, वही आपके लिए अब इस सिचुएशन में इस जगह पर आकर सही रहेगा, ये मैं जरूर से आपसे कहूंगी। चलिए मैं आपके लिए देख लेती हूँ गाइडेंस के वो मैसेजेस इस पर्सन की तरफ से। अब इन सभी चीजों के चलते आपसे कहने की क्या इच्छा इनकी उठ रही है। I need your time and commitment. Basically, आप कहना तो ये यही चाह रहे हैं कि इन्हें आपके वक्त की, आपके कमिटमेंट की जरूरत है, जिसको लेकर एक वक्त पे आप नीडी हुआ करते थे। You are too good for me. क्योंकि ये पर्सन जानते हैं आप बहुत अच्छे हो, दिल के बहुत अच्छे हो, मन के बहुत अच्छे हो, फिर उसके अलग आप मेहनती किस्म के इंसान हो, अपने बलबूते पर, अपने बेस पर आप हासिल करना जानते हो।
ठीक है, आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, और आपसे कहना चाह रहे हैं ये अभी भी वो जज्बा रखते हैं कि आपको फिर से इम्प्रेस कर सकते हैं। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, और इसी के चलते चांसेस हैं सोशल मीडिया पर भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दिखावटीपन दिखा रहे हो, दिखावा करके दिखा रहे हो। आई फॉरगिव यू, तो मैंने आपको बोला ना थोड़ा ब्लेम गेम विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, इसी के चलते आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपको माफ़ करा, जबकि यहाँ पर सिचुएशंस कॉम्प्लिकेट करने वाले, वर्स्ट करने वाले ये थे, तो माफ करने का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पर ये आपसे माफी मांग ले, यही बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पर लास्ट नॉट लीस्ट साईं बाबा आपसे अब इस सिचुएशन को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं ये और देख लेती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए साईं बाबा की तरफ से। गाइड कीजिए डिवाइन, स्वेच्छा, उदी की ताकत एंड संतुलन। देखो बाबा आपसे बोल रहे हैं कि आपको ना अभी सिचुएशन के लिए नीडी होने की जगह आपको इस सिचुएशन को अब भगवान को, अपने ईस्ट को सौंप देना चाहिए, यानी कि इस चीज की चर्चा करने की बजाय आपको इस चीज को भगवान को सौंपने के लिए व्यूअर्स बोला जा रहा है। अपने आप को बैलेंस कीजिएगा, ना कि अपने बैलेंस को खोने की अब जरूरत है। जब तक आप बैलेंस में नहीं आएंगे तब तक लोग आप पर कंट्रोल करेंगे, आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मजबूती से काम करने का वक्त यहाँ पर आ चुका है, और उस मजबूत बनने के लिए अगर आपसे हो सके तो थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह भी आप करिएगा, वो जरूर से आपके काम आएगा और आपको वो मजबूत भी करेगा। तो इस तरह से आपसे बाबा यहाँ पर एज अ गाइडेंस बोलना चाह रहे हैं व्यूअर्स। सिचुएशंस डेफिनेटली अब आपको यही अलाउ कर रही है कि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होकर चीजों को देखना है। अगर आप इमोशनल होकर देखेंगे तो यहाँ पर सब आपको कहीं ना कहीं कमजोर ही करेंगे, तो ये चीजें आपसे कही जा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, आई होप आप कनेक्ट कर पाई हूँ अपने आप को इस रीडिंग से, कनेक्ट कर पाई। लेकिन स्टिल लाइक आपने नहीं करा, क्लेम एंड ग्रेटिट्यूड नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय।